नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। केंद्रीय सूचना आयोग ने पीएमओ से पूछा, खाते में कब आएंगे 15 लाख? आरटीआई के हवाले से आयोग ने किया सवाल, भ्रष्टाचार हटाने के लिए नए कानून बनाने की भी समय सीमा पूछी। सैक्स स्कैंडल में सफाई लेकर सामने आए केजरीवाल सरकार के बर्खास्त मंत्री। संदीप कुमार ने कहा, दलितों इसलिए फंसाया। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर बोला हमला। केजरीवाल सरकार और एलजी की जंग में कूदे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। विधानसभा सचिव को पद से नहीं हटाए जाने पर अड़े, एलजी को लिखी चिट्ठी। गोवा में आरएसएस में बगावत, राज्य प्रमुख सुभाष वेलिंगर की बर्खास्तगी के बाद 400 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। भाषा को लेकर की थी राज्य सरकार की आलोचना। और रिलायंस जियो 4G से देश भर में फ्री कॉल, फ्री रोमिंग। रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी ने की घोषणा, कहा पीएम मोदी के डिजिटल भारत मिशन में साबित होगा बड़ा कदम। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। सैक्स स्कैंडल में फंसे केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार सफाई लेकर सामने आए हैं। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से जोड़ते हुए कह दिया है कि वे दलित हैं, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि सीडी की कोई प्रमाणिकता नहीं है। उन्होंने पूरे मामले को दलित राजनीति से जोड़ते हुए कहा, मैं दलित हूँ इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, मैं महादलित वाल्मीकि समाज से हूँ। साथ ही अपने वजन को लेकर भी उन्होंने कहा कि वे काफी भारी भरकम है और सीडी में आदमी काफी पतला है। उन्होंने ये भी कहा कि वे तेजी से दलित नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन विरोधियों को ये पसंद नहीं आया। सैक्स सीडी वाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता संदीप कुमार को लेकर स्वराज अभियान के प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भूषण ने कहा कि जब ये दिख गया कि किसी की बेईमानी छुपाई नहीं जा सकती, मीडिया को पता चल गया है, तो संदीप कुमार को हटा दिया और कहते हैं कि देखो हमने फौरन कार्रवाई की। प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने तो शुरू में ही कहा था कि उम्मीदवारों के चयन से पहले लिस्ट वेबसाइट पर डालो ताकि उसके बारे में लोग अपनी राय दे सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोमर के मामले में जानकारी पहले ही आ गई थी, मैंने जांच के लिए कहा था लेकिन जांच नहीं कराई गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारों की जंग में अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी शामिल हो गए हैं। गोयल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख साफ कह दिया है कि वो विधानसभा सचिव प्रसन्ना कुमार को पद से नहीं हटाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी में जिक्र किया है कि प्रसन्ना कुमार की सर्विस की अनुमति 2018 तक दिल्ली सरकार से मिली हुई है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो से अब तक प्रसन्ना कुमार को पद से मुक्त करने का कोई आदेश नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ने उपराज्यपाल को कई बार फोन भी लगाया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई, जिसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई। केंद्रीय सूचना आयोग ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें सवाल किया गया है कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने किया था। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले में कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में ये निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है। शिकायतकर्ता ने ये भी पूछा कि देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए नया कानून कब बनाया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे की जांच के लिए बने जस्टिस ढींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। जस्टिस ढींगरा ने ये माना कि जमीन आवंटन में गड़बड़ी हुई है। विधानसभा में रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस एसएन ढींगरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी रिपोर्ट में बहुत कुछ है, मैंने जांच में हर उस शख्स का नाम लिया है जो गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की कंपनियों और अधिकारियों के नाम है, अब रिपोर्ट पर सरकार को कार्रवाई करनी है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि मेरी रिपोर्ट 182 पेज की है और ये दो भाग में है, पहले भाग में फाइंडिंग है, दूसरे भाग में उसे साक्ष्य है। जब रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी या सरकार चाहेगी रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाएगी। गोवा में आरएसएस के 400 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है कि वे राज्य आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगर की बर्खास्तगी के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। केंद्र में सत्तासीन बीजेपी की वैचारिक संरक्षक आरएसएस की राज्य इकाई के कई शीर्ष नेताओं ने राजधानी पणजी के निकट
एक स्कूल में 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बैठक में आरएसएस के राज्य में सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में शुमार किए जाने वाले सुभाष वेलिंगकर को हटाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने इस्तीफों की घोषणा की। सुभाष वेलिंगकर राज्य की बीजेपी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना करते रहे थे कि सरकार कोंकणी और मराठी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को तरजीह दे रही है। बीजेपी राज्यसभा सांसदों के लिए पार्टी ने काम खोज निकाला है। पहली बार पार्टी के राज्यसभा सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्लास ली। सांसदों से उनके अब तक के काम का ब्यौरा लिया गया और हिदायत दी गई कि अब वो अपने क्षेत्र से हटकर उन इलाकों में काम करके दिखाए जहां पार्टी ने जीत का खाता नहीं खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की दिशा में काम करने को कहा। मोदी ने बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की बैठक में अपने समापन भाषण में कहा, आप जिस राज्य से भी आते हैं आपको उसके मुद्दों को उठाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में शामिल सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसे सफल बनाने के लिए बैंकों ने भी SLBC की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस योजना में अगले 5 साल में 35 लाख छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 5 लाख को ये कार्ड मिलेगा। इसके तहत 12वीं पास करने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस पर 2% तक ब्याज लगेगा और किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। बैंकों के माध्यम से मिलने वाले इस ऋण में गारंटर सरकार बनेगी। दिल्ली के उसी होटल लीला की लॉबी से एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया है जहां अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ठहरे हुए हैं। संदिग्ध की पहचान उदय रात्रा के तौर पर हुई है, जिसे होटल उसके बर्ताव के चलते पहले ही ब्लैकलिस्ट कर चुका है। जब होटल स्टाफ ने उदय रात्रा को रोकने की कोशिश की तो वो उनके साथ झगड़ने लगा। दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी इसी होटल में ठहरा हुआ था। उदय रात्रा को पहले चोरी के केस में साकेत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी पुलिस ने रात्रा की गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि नहीं की है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदाग खान भुगती ने 2 टूक कहा है, पाकिस्तान से किसी भी बातचीत से पहले पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान को छोड़ना होगा। भुगती ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान सेना ने ऐसा नहीं किया तो उसे 1971 से भी ज्यादा बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। भुगती ने बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचारों का मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी अधिकारियों का मंसूबा बलूच लोगों को पूरी तरह खत्म करने का है। भुगती ने इस मुद्दे को नहीं उठाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया को भी जमकर लताड़ लगाई। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का असली तोहफा दिया है, वही दूसरी तरफ से लोगों को लगा है एक बड़ा झटका। झटका इसलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां पेट्रोल के दाम में 3.38 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, वहीं डीजल के दामों में 2.67 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 60.09 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 63.47 रुपए हो गए हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 65.04 रुपए से बढ़कर 68.40 रुपए हो गए हैं। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 64.18 रुपए से बढ़कर 66.84 रुपए हो गए हैं। वहीं दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में पेट्रोल के दाम 59.65 रुपए से बढ़कर 63.02 रुपए हो गए हैं। आज से ई टिकट पर ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उन्हें मात्र 92 पैसे का प्रीमियम देना होगा। अपर महानिदेशक जनसंपर्क रेलवे बोर्ड अनिल सक्सेना ने बताया कि IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय अतिरिक्त बीमा कवर का विकल्प चुनकर यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत यात्रा के दौरान यात्री की मृत्यु होने या पूर्ण विकलांगता पर परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। ट्रेन दुर्घटना के अलावा आतंकवादी हमला, डकैती, लूटपाट, गोलीबारी में नुकसान होने पर भी ये बीमा कवर उपलब्ध होगा। टिकट रद्द कराने पर प्रीमियम रिफंड नहीं किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि ये डिजिटल क्रांति का एक नया युग है।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल भारत मिशन है। जियो के लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया में टॉप 10 में होगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि जियो के डेटा रेट विश्व भर में सबसे कम होंगे और देश भर में फ्री कॉल और फ्री रोमिंग होगी। रिलायंस जियो के रोडमैप के बारे में उन्होंने कहा, आज की तारीख में जियो नेटवर्क की पहुंच 18,000 शहरों और 2 लाख से ज्यादा गांवों तक है। मार्च 2017 तक इस नेटवर्क की पहुंच देश के 90% आबादी तक हो जाएगी। अंबानी ने इंटरनेट डेटा को लेकर कहा कि इसे सभी ग्राहकों के लिए किफायती बनाने की कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा, हमारे डेटा प्लान 5 पैसा प्रति MB या 50 रुपए प्रति GB से शुरू होंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।